होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी सीरीज में जो हम स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट चैप्टर कर रहे थे उसी सीरीज में मैंने 6.3 पे क्वेश्चन नंबर 8 तक करा दिया था आपको, एंड आज हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे, जो मतलब एक्स्ट्रा मेथड करेंगे, एक और मेथड करेंगे हम स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द, सब अपनी बुक ओपन करके रखिए जब भी आप क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ नंबर 4, 9 एंड 10। इसने क्या पूछा कि स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, सबसे छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा होगा जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो जाए, वो तीनों नंबर से डिविजिबल हो जाए। बहुत पूछता है ऐसे क्वेश्चन, बहुत ज्यादा, कुछ भी नंबर दे देगा वैसे ही पूछेगा। आपके एग्जाम्पल्स में ये भी है और आपके एक्सरसाइज में भी है, तो आपको बहुत ध्यान से समझना है इसमें करना क्या होता है। जब भी ऐसा बोलते ना कि इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा या कुछ होगा, कुछ नहीं सोचना, इन तीनों का क्या करो, एलसीएम ले लो। किसका? 4, 9 और 10 का हम एलसीएम लेंगे। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10। अब आई होप आपको एलसीएम लेना आता होगा। ठीक है, तो मैं एलसीएम ले लेती हूँ, बता देती हूँ आपको। टू के टेबल से कर दो पहले, क्योंकि दो नंबर जाए, 2, 2 जा 4, फिर 9 का 9, 2, 5 जा 10। अगेन 3 के टेबल से कर लो क्योंकि अब किसी के और के टेबल से नहीं जा रहा है, तो फिर क्या करेंगे, फिर 2 के टेबल से कर लो, 2, 1 जा 2, 9 और 5, फिर 5, 1 जा 5, 9 और 5, 1 जा 5, फिर 9 के टेबल से, एक एक बार में चला जाएगा सबके। इसका एलसीएम निकालो, एलसीएम कितना हुआ, 2 × 2 × 5 × 9, है ना। तो अब इसका एलसीएम कितना होगा, 18, 9 × 18, 18 × 36, 35 × 5। ठीक है, या और इजी करते हैं, 5 × 10, 10 × 20 और 20 × 180 आ गया, सिंपल। ठीक है, तो कैलकुलेशन भाई तुम्हें टेबल्स आनी चाहिए। ये 36 × 5 थोड़ा ऑड लगा, तो मैं थोड़ा सा और इजी करूँ क्योंकि 5 है यहाँ पे, इजीली 10 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। तो एलसीएम कितना हुआ, 180। अब क्या करेंगे, नाउ अब इसका करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन ऑफ 180। क्या करेंगे इसका, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो आप करो इसको जैसे हम करते थे, 180 आ गया, 2, 2 9 जा 18, फिर 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, फिर 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा कितना 15, फिर 3 से 3 5 जा 15, फिर 1। अब जो इसका प्राइम फैक्टर है, इसके प्राइम फैक्टर ऐसे हैं, प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आए, 2 × 2 × 3 × 3 × 5। लेकिन आपने यह देखा 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन 5 का पेयर कहाँ है, नहीं बना ना। तो हम क्या करेंगे, जिसका पेयर नहीं बना उसी नंबर से पहले से स्क्वायर निकालेंगे, ये है आखिर किसका स्क्वायर। जैसे हम करते थे ना क्वेश्चन, मैंने बताया था ना ऐसे वाला कि विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच वी मल्टीप्लाई टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो क्या करेंगे, 180, वही सेम काम, 180 माइनस 5 इधर एंड 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5, अंडर रूट कर दो दोनों तरफ, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 18 × 5 = 90 आ गया इक्वल टू इसका, इसमें एक पेयर में से निकाल लो तो कितना हुआ, 2 × 2 × 5। अब देखो स्क्वायर रूट किसका हुआ, ये 3 × 6 = 30, तो ये 30 आ गया, और ये किसका है, 900, तो 900 स्क्वायर रूट किसका आ गया, 30 का। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, उसने पूछा यहाँ पे, इसने पूछा है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच नंबर, वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर हमें निकालना है कि जो तीनों से डिविजिबल हो जाए, तो 900 तीनों से डिविजिबल होगा, जो आपका ये आंसर आएगा ना 900, ये तीनों से डिविजिबल होगा,
ये परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि, सो लिख देंगे हम, सो द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच वी विच इज डिविजिबल बाय, जो क्वेश्चन में बोला विच इज डिविजिबल बाय 4, 9 and 10 इज, क्या है 900, दैट इज योर आंसर। क्लियर? एक क्वेश्चन और बचा है, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है? तो ध्यान से समझना क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ नंबर, इसमें भी सेम वही को दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीन नंबर दिए उनका क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो चलो भाई एलसीएम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम ऑफ 8, 15 and 20, ठीक है? 8, 15 और 20 का हम एलसीएम, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम 8, 15 and 20 का एलसीएम करेंगे। तो सबसे पहले साइड में क्या करो, एलसीएम कर दो उसका, एलसीएम ले लो 8, 15 और 20। धीरे धीरे सीखना आराम आराम से, 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा 8, 15 तो कटेगा नहीं, 2 1 जा 2 0, फिर अगेन 2 से, 2 2 जा 4 15 और 2 5 जा 10, फिर किसके टेबल से जा रहा है, 5 के टेबल से, चलो कर दो भाई, 2 2 का 2 5 3 जा 5 1 जा, अभी अगेन 2 के टेबल से 2 1 जा 3 और 1, फिर अगेन 3 के 1 1 और 1। क्लियर? आप देखो एलसीएम निकालो इसका, एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 into 2 into 5 into 2 into 3, ठीक है? तो अब सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 और 34 जा कितना हुआ, 120, ठीक है? 34 जा 120, बस 120 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब जो प्राइम, अब नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे सेम उसमें किया, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120, ठीक है ना? तो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, फिर अगेन 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर 3 से 3 5 जा 15 और फिर 5 1 जा 5। क्लियर? अब देखो इसमें हमने क्या देखा, पेयर बनाते हैं, 2 into 2 into 2 into 3 into 5, लेकिन अब हमने यहाँ क्या देखा कि सिर्फ और सिर्फ 2 का ही पेयर बना, बाकी इन तीनों नंबर में से किसी का पेयर नहीं बना, किसी का भी पेयर नहीं बना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पेयर बन जाए 5 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, इसका मतलब है इस नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इन तीनों में से किसी का पेयर नहीं बना। तो इन तीनों का मल्टीपल ले लो, इन तीनों को क्या करो, मल्टीपल लो, तो कितना हुआ मल्टीपल, नाउ वी मल्टीप्लाई बाय क्या, बाय 2 into 3 into 5, दैट मीन्स 30 in 120, ठीक है? मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 120 में, तो मल्टीप्लाई कर दो 120 into 30, तो 120 into 30 करो कितना हुआ, 12 3 जा 36 और 2 0, अब 3600, अब 3600 जो आया ये स्क्वायर रूट है। अब कैसे स्क्वायर रूट है देखो, अगर मैं इसका निकालूं, वैसे तो उसने यही नंबर पूछा है, अगर मैं इसका निकालूं, साइड पे निकाल के बता देती हूँ आपको, अंडर रूट, इसमें सबका पेयर ले लेना, 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 5। देखो मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें इसके पेयर नहीं पता थे, इसके पेयर नहीं पता थे, तो इसी नंबर, इसी की पेयरिंग से, इसी की पेयरिंग से हमने मल्टीप्लाई करी। तो इसका पेयरिंग एक ले लिया, इसका पेयरिंग एक ले लिया, इसका पेयरिंग लिख दिया, तो सभी का पेयरिंग लिख दिया यहाँ पे। अब देखो पेयरिंग बन गया, 2 ये 2 ये 3 ये 5, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, 2 into 2 into 3 into 5, और सिंपली किसका आ गया, 60 का, सिंपली किसका आ गया, 60 का। बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पे भी सेम ही लिखेंगे, हेंस स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय
विच इज डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 20 इज क्या है? 3600. क्लियर? बात समझ में आई? मैंने क्या बोला, देखो दोबारा से अगर मैं समझा देती हूँ उसको. क्या हुआ, जब भी क्वेश्चन ऐसा पूछता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर निकालना है, छोटा सा नंबर नहीं, स्क्वायर नंबर. फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय द नंबर 8, 15 एंड 20. तीन नंबर से डिविजिबल होना चाहिए वो स्क्वायर नंबर, तीनों नंबर से. क्लियर? अब देखो इसे डिविजिबल हुआ तो भाई पहले सबसे पहले हमने क्या किया, इसका एलसीएम निकाला. एलसीएम निकाला तो हमने क्या देखा कि एलसीएम कितना है, 120. फिर क्या करेंगे, नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120. अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया इसका तो हमने क्या देखा, सिर्फ यहाँ पे एक ही का पेयर बन रहा है, बाकी तीनों में से किसी के पेयर नहीं बन रहे. तो क्या किया हमने, इन तीनों का मल्टीप्लाई किया, उसी से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया. क्या करेंगे, जिसका पेयर नहीं बनता उसी नंबर से तो मल्टीप्लाई करते हैं पेयर बनाने के लिए, एक परफेक्ट स्क्वायर चाहिए. ठीक है, तो इसके इनके पेयर से यानी कि 2, 3, 5 इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जो कि हमारा कितना है 30 से, और मल्टीप्लाई कर दिया हमने किस में, 120 में. तो देन 120 इंटू 30 कर दिया तो कितना आ गया, 3600. 3600 यही वो नंबर है जो तीनों नंबर से 8, 15 और 20 तीनों से डिवाइड होगा. ये तीनों से डिवाइड होगा. अगर यकीन नहीं आता ना, देखो यकीन की क्या बात है. देखो अब मैं करके दिखाती हूँ, इसको डिवाइड करके दिखाती हूँ. ये आपका एक्स्ट्रा पार्ट है, ओनली चेकिंग, ओनली फॉर चेकिंग, चेकिंग के लिए, नॉट आप लिखना नहीं है. देखो 36 डिवाइडेड बाय 8 करो कॉमा, 36 डिवाइडेड बाय 15 कॉमा, 36 डिवाइडेड बाय 20. तीनों से डिविजिबल होना चाहिए, वही क्वेश्चन की मांग है कि ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जो तीनों से डिविजिबल हो. चलो तीनों से डिविजिबल करते हैं, टेबल पढ़ो कितना हो गया, 8 4 जा 32 और कितना बचा यहाँ पे 4, 8 5 जा 40 कट गया पूरा पूरा. क्या आया यहाँ पे, 450. नेक्स्ट यहाँ पे करो 15 2 जा 30 कितना बचा, 6, 15 5 60 कितना हो गया, 250. यहाँ पे कट गया पूरा पूरा. अब 1 0 से 1 0 काट दो कितना कट गया, 2 1 जा 2 2 8 जा 16 क्या आ गया यहाँ पे, 180. अब देखा आपने कि ये 3600 ऐसा नंबर था जो तीनों से डिविजिबल हो गया, तीनों से डिविजिबल हो गया पूरा पूरा. तो यही आपका आंसर था, वही वो क्वेश्चन पूछ रहा था, ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है जो तीनों से डिविजिबल होगा, तीनों नंबर से डिविजिबल होगा. तो हम इस तरीके से करेंगे इसको. बात समझ में आ रही है, क्लियर? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा समझने वाला है, इसको थोड़ा सा करना है. तो ये जनरली 2 नंबर में या 2.5 नंबर 3 नंबर में पूछता है. क्लियर? अब देखो नेक्स्ट है फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिविजन मेथड. अब हमें स्क्वायर निकालना है डिविजन मेथड. मुझे ये मेथड बहुत पसंद है. क्यों? क्योंकि इसमें ना क्वेश्चन बहुत जल्दी निकल जाते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन करने में थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे करते रहो करते रहो, ये टाइम लगता है, लेकिन मुझे ये पसंद है. अब देखो मैं एक दो के स्क्वायर रूट निकलवा के दिखाती हूँ, आप निकाल के देखती हूँ. ठीक है, चलिए लॉन्ग डिविजन मेथड सीखते हैं. लॉन्ग डिविजन मैथड बहुत इंपॉर्टेंट मैथड है, बहुत ज्यादा प्रेफर मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि जब हम बड़ी क्लास में पहुंच जाते हैं तो हमें जब प्राइम फैक्टराइजेशन की आदत नहीं होती, उस समय पे प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत लगता है, ऑड लगता है. इसलिए क्या करो ना कि लॉन्ग डिविजन मैथड सीखो. अब देखो एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, 4096 स्क्वायर रूट निकालने के लिए होता है. इसमें आएगा फाइंड द स्क्वायर रूट, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिविजन मेथड. क्लियर? देखिए अब देखो क्या करना है, स्टेप स्टेप समझिएगा ना. सबसे पहले तो हम इस तरीके से करते हैं, है ना, तो 4096 लिखते हैं, ये बना लिया 4096 लिखा. देन हमें क्या करना है कि एक पेयर पेयरिंग हमें किससे करनी है, राइट साइड से पेयरिंग करनी है, राइट साइड से लेफ्ट साइड जाना है. ठीक है, बात समझ में आई? तो ये हमारी पेयरिंग चल रही है, पहले एक पेयरिंग बन गई फिर दूसरी पेयरिंग बनी, क्योंकि हमें स्क्वायर में क्या होता है पेयरिंग बनानी होती है सबसे पहले. क्या बनानी होती है? पेयरिंग बनानी होती है सबसे पहले. तो क्या करते हैं, एक 96 का पेयर बन गया, एक 40 का. अब देखो स्क्वायर जिसको याद है ना, स्क्वायर से इसको याद है वो जल्दी कर लेगा. अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 का स्क्वायर. अब भाई मैं इतना लिखूंगी, 1 का स्क्वायर चलो लिख देते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 20. तक स्क्वायर आपको आने चाहिए भाई, कैसे भी करो याद, लेकिन याद होने चाहिए.
याद होने ही चाहिए, प्रैक्टिस करोगे ना अपने आप याद हो जाएंगे, रट जाएंगे वो अच्छी तरीके से। ठीक है, 49, 8 का स्क्वायर हमारा कितना हो गया 64, 9 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 81, और 10 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 100। अभी हमें इसी की जरूरत है, बाद में मैं आपको लिखवा दूंगी। देखो अब क्या करेंगे, 40 आया, 40 किसके स्क्वायर के आसपास है हमें ये देखना है, 40 किसके स्क्वायर के आसपास है। तो 4 का स्क्वायर क्या 16 हो गया, 6 का स्क्वायर क्या 36 हो गया, 7 का स्क्वायर क्या 49। अब 49 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 49 क्या हो गया बहुत ज़्यादा हो गया, तो उससे एक कम लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, इससे एक कम लेना है, या तो इसके बराबर होना चाहिए या फिर इससे कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे हम। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो 6 लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो कहाँ कहाँ 6 लेना है, एक यहाँ 6, एक यहाँ 6, एक यहाँ 6। बात समझ में, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 36, 6 6 36, क्लियर। अब जो इधर वाली जो वैल्यू होती है ना, इनको प्लस करते हैं, इधर क्या करते हैं इनको प्लस करते हैं, ये रूल है। ठीक है, ऐसा रूल जनरली अब सिखाया नहीं जाता, बहुत कम सिखाया जाता है, लेकिन बहुत अच्छा रूल है। ठीक है, अब 40 में से 36 गए, कितना बचा 4, क्या बचा 4। अब देखो जो हम डिवीजन में करते थे ना कि एक नंबर उठा के लाते थे ऊपर से, हमें एक नंबर उठा के नहीं लाना है। अब अगर पेयरिंग है ना, तो पेयरिंग को उठा के लाओ, 96 पेयरिंग को उठा के लाओ, क्लियर। बात समझ में आई? देखो तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 और 6 मैंने यहाँ पे प्लस का साइन किया, इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 और 6 कितना हुआ 12। बात समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ पे लास्ट में क्या है 6, यानी किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, किससे मल्टीप्लाई करें, तो लास्ट में या तो हमारा किससे 4 4 16 होता है, 4 4 16 या 6 6 13। तो एक बार हम पहले 4 से चेक कर लेते हैं, 1 2 4 into 4। देखो याद रखना, जो भी हम यहाँ पे नंबर लेंगे ना, उसी से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई लेंगे उसको नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, और उसको यहाँ पर भी लिखेंगे। देखो मुझे याद है कि 64 का स्क्वायर है ये, अब देखो 4 4 16, कैरी कितना 1, 4 12 4 48 और 1 49। पूरा पूरा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस कर दो इसको, माइनस कर दो, 6 में 6 0, 9 से 9 0, 4 में 4 0, बस आपका स्कोर रेट क्या बन गया 64। तो अंडर रूट ऑफ 496 इक्वल टू 64, डायरेक्ट आंसर, प्राइमरी डिवीजन करने की जरूरत ही नहीं है, पेयरिंग बनाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर, क्लियर। आई होप यहाँ तक आपको बात में समझ में आएगी, इसको वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है, तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और कुछ क्वेश्चंस और होंगे आपके एनसीईआरटी में वो कर लेना, ठीक है, और आपके बुक में भी होंगे, तो और मैं एक्स्ट्रा कल कराऊंगी, 2-3 क्वेश्चंस और कराऊंगी इस पे बेस पे, मुझे पता है कि स्टार्टिंग में बेस नहीं बनता किसी का, लॉन्ग डिवीजन मेथड इतनी जल्दी समझ में नहीं आता, तो हर एक क्वेश्चन में मैं लॉन्ग डिवीजन कराऊंगी, हर एक क्वेश्चन में, ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए अच्छे से, है ना। तो अभी के लिए इतना ही, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।